नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डेमन, मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक प्रैक्टिकली WhatsApp चैट आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने किसी को जो रत्न रिकमेंड किया है तो किसी अन्य ज्योतिष ने उसका खंडन किया है कि आपने यह गलत रत्न रिकमेंड किया है। तो चलिए उनका पूरा विश्लेषण मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। यदि मेरे ज्ञान में कमी हो तो आप मुझे कमेंट्स के द्वारा ज़रूर बताना। हो सकता है मेरे ज्ञान में कमी हो, लेकिन ईश्वर का सानिध्य मेरे साथ है तो हमेशा मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि मेरे ज्ञान में कभी भी कमी नहीं हो सकती है। और हमेशा मैं ईश्वर का इसी चीज़ का धन्यवाद देती हूँ कि जो भी मैं चीज़ बताऊँ वह सत्य हो और सही हो। इसलिए मैं जो भी वीडियोस बनाती हूँ और जो भी ज्ञान आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ वो 100% प्योर होता है। लेकिन फिर भी मेरे पास ऐसे नेगेटिव कमेंट भी आता है तो मुझे थोड़ा सा ऐसा फील होता है कि हो सकता है मेरे ज्ञान में कमी हो, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ ये चैट शेयर करी है। तो पहले आप इनकी एक वॉइस रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, फिर हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं पन्ना खरीदने गया था तो वहाँ पर एक पंडित जी मिल गए मेरठ में, ज्वेलर में। पर वैसे ही हम लोग चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि बुध आपका मार्केश है, आपको मार्केश का रत्न नहीं पहनना चाहिए। अब बड़ी समस्या आई होगी माणिक्य के लिए, उन्होंने कहा कि क्या पहन सकते हैं, लेकिन बुध के लिए उन्होंने कहा कि मार्केश है और मार्केश का रत्न ही पहनना चाहिए। कृपया मुझे गाइड करें। आपने इनकी वॉइस रिकॉर्डिंग सुनी ली होगी। इनकी कुंडली हम देख लेते हैं। मैं आपको मैनुअली कुंडली बनाकर देती हूँ जिसमें सभी ग्रहों की स्थिति के अनुसार जो भी डिसीजन लिया जाता है सब मैनुअली लिया जाता है। इन्होंने मैंने इनको माणिक और पन्ना रत्न रिकमेंड किया था। उन्होंने माणिक के लिए तो सही बोला, लेकिन पन्ना के लिए मना करा है। क्यों मना करा है और मैंने दिया है उसके लिए क्यों है, तो आप पूरा वीडियो देखिए अच्छे से। तो आपके जो भी डाउट हो आप कमेंट्स के द्वारा मुझे ज़रूर शेयर करना। दोस्तों, यह सिंह लग्न की कुंडली है। जब हम कुंडली विश्लेषण करते हैं तो दो पार्ट्स में मैं ग्रहों को डिवाइड करती हूँ हमेशा, कि पॉजिटिव ग्रह और नेगेटिव ग्रह। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पॉजिटिव ग्रह हैं इनमें बुध ग्रह आ रहा है, तो बुध ग्रह इनकी कुंडली में पॉजिटिव है। यहीं पर डिसीजन हो जाता है कि आपकी कुंडली कितनी स्ट्रांग है, यानी कि पॉजिटिव ग्रह यदि ज़्यादा आएंगे आपकी कुंडली में निकल कर तो आपके जीवन में सक्सेस के अच्छे योग बनते हैं, क्योंकि दशा अंतरदशा में आपको जीवन में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और नेगेटिव ग्रह यदि कम आते हैं तो जीवन में आपको नेगेटिव परिणाम कम प्राप्त होते हैं, क्योंकि एक कम आपके नेगेटिव ग्रह निकल कर आए तो जब दशा आपके नेगेटिव किसी ग्रह की आएगी तभी नेगेटिव रिजल्ट हमें जीवन में प्राप्त होते हैं। इसलिए यही कुंडली का डिसीजन हो जाता है कि आपकी कुंडली कितनी स्ट्रांग है, आपको लाइफ में कितना सक्सेस प्राप्त होगा, आप अपने जीवन में कितना अचीव कर पाएंगे। अब इनकी कुंडली में बुध जो है धन भाव का मालिक है और इनके लाभ भाव का मालिक है। लेकिन एक सूत्र होता है, जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव ग्रह निकालते हैं तो जब सेकंड हाउस का मालिक जो होता है यदि लग्न का शत्रु हो तभी वो मार्केश की श्रेणी में आएगा, अन्यथा वह मार्केश की श्रेणी में नहीं आएगा। तो हो सकता है उनके ज्ञान में कहीं कमी रह गई हो, इसलिए उन्होंने ये लैंग्वेज यूज़ करा था कि आपकी कुंडली में बुध जो है मार्केश है, लेकिन वह मार्केश नहीं है क्योंकि वह आपका मित्र है। सूर्य का अति मित्र होता है बुध ग्रह। यदि वह मित्र है तो वह मार्केश की श्रेणी में नहीं आएगा, वह योग कारक ग्रह बन जाएगा। अब वह योग कारक ग्रह बन गया तो फिर आप निसंकोच होकर बुध का रत्न पहन सकते हैं पन्ना। अब आपने पन्ना रत्न पहना, भाई कुंडली में पॉजिटिव ग्रह है, अच्छा प्लेसमेंट है, भाव चलित कुंडली में भी वह लग्न में स्थित हो रहा है, तो आपको मल्टीपल बेनिफिट्स प्राप्त होंगे। क्यों? क्योंकि बुध आपके लाभ भाव का मालिक है। तो जीवन में जो भी इच्छा आप रखेंगे, जो भी विश आप रखेंगे, वह आपकी पूरी होगी। बुध आपके व्यापार का कारक ग्रह भी मानते हैं। यदि आपने पन्ना रत्न धारण करा तो किसी भी प्रकार का आप बिजनेस करें या आपके करियर में यह सक्सेस का कारण बनेगा। यानी कि बुध को स्ट्रांग आप करेंगे तो आपके जीवन में करियर में आपको सक्सेस प्राप्त होगी, चाहे आप जॉब करें चाहे आप बिजनेस करें। लेकिन बिजनेस का कारक ग्रह इसे मानते हैं, इसलिए बिजनेस में अधिक सक्सेस आपको प्राप्त होगी बुध को मजबूत करने के लिए। अब बुध इनकी कुंडली में 0% है, इसलिए पन्ना रत्न धारण करना इनको बहुत अधिक ज़रूरी है। प्लेसमेंट तो अच्छा मिल गया, लेकिन जब ग्रह में बल ही नहीं है तब वह हमारे जीवन में अच्छे परिणाम नहीं दे पाता है। इसलिए रत्नों के माध्यम से हम किसी भी ग्रह को बूस्ट कर सकते हैं, उसे अच्छा बना सकते हैं।
बशर्ते कि वह रत्न जो है हमारी कुंडली में रिकमेंड होता हो। तो पूरे नियम के अनुसार कोई भी रत्न को रिकमेंड किया जाता है, ऐसे ही नहीं कोई भी रत्न हम आपको बता दें और आपने धारण कर लिया, ऐसा कभी भी नहीं होता है। पर्टिकुलर पूरी स्टडी की जाती है, आपकी भावचलित कुंडली को देखा जाता है, आपके नवांश को भी देखा जाता है, ग्रह की स्थिति को देखा जाता है, तभी कोई रत्न रिकमेंड किया जाता है। अब बुध इनके लग्न भाव में भी स्थित हो रहा है तो वह आपके शरीर को भी बल देगा, आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहेगा, और बुध आपके धन भाव का मालिक भी है और उच्च राशि में भी स्थित है, धन भाव में भी स्थित है, तो आपके धन संबंधित जितनी भी परेशानियां हैं वह दूर करेगा। और बुध का रत्न यदि आपने पहना तो आपकी वाक चतुरता में वृद्धि होगी, अर्थात जो हमारा त्वरित निर्णय होता है किसी भी फील्ड में, चाहे आप जॉब करें, चाहे आप बिजनेस करें, चाहे आप घर परिवार में हो, जो भी एक हम रहते हैं ना एकदम फटाफट से कोई निर्णय हम लेते हैं और वह निर्णय हमारे जीवन के लिए अगर सही हो तो आप एक सक्सेसफुल इंसान अपनी लाइफ में बनते हैं। तो बुध वह शक्ति आपको देगा यदि आपने पन्ना रत्न धारण करा। तो किसी भी एंगल से मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैंने गलत रत्न इनको रिकमेंड किया। अब आप मुझे कमेंट्स के द्वारा ज़रूर बताएं कि यह रत्न इनके लिए अच्छा है या नहीं। हो सकता है मेरे ज्ञान में कुछ कमी हो, क्योंकि ज्ञान कहीं से भी लिया जा सकता है, लेकिन मेरा जो अनुभव है, जो लॉजिक मैंने आपको बताया है, अगर वह सही है तो भी आप मुझे कमेंट्स के द्वारा बताएं, और यदि गलत है तो भी आप मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि जनता जनार्दन होती है, वही सही निर्णय ले सकती है। इसलिए यह जो दुविधा है उसका निर्णय आप ही लीजिए, मैंने आप लोगों के साथ ये बातें शेयर करी है। दोस्तों आई होप आपको ये जानकारी बहुत अधिक पसंद आई होगी। इसी तरीके से आप मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए, आपको बहुत अधिक अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियोस जरूर प्राप्त होते रहेंगे एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, और आपके बहुत अधिक अच्छे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते रहेंगे। इसलिए फटाफट से चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।